रामपुर में यतीम खाना बस्ती को तोड़े हुए आज 3 साल पूरे होने पर वहां के उजाड़े गए पीड़ितों ने यतीम खाना बस्ती स्थित रामपुर पब्लिक स्कूल के पास कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने पुराने मंजर को याद किया और कैंडल जलाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। इस मौके पर फैसल लाला ने कहा कि जिस तरह आज से 3 साल पहले यहां के गरीब लोगों के साथ आजम खान ने बर्बरता दिखाई थी और उनकी जगह पर जबरन कब्जा किया था, उसको याद करके आज भी इन लोगों की सिसकियां निकल जाती है। जिस तरह समाजवादी गुंडों ने 3 साल पहले आज ही की रात को 3 बजे से आतंक का माहौल बनाया था और इनके घरों में लूटपाट करवाई थी, वह मंजर आज भी भुलाए नहीं भूलता। गरीबों के घरों को तोड़कर शिक्षा के नाम पर जो जुल्म की प्रतीक इमारत खड़ी की गई है, बहुत जल्द उस इमारत में यतीमों के लिए अस्पताल खुलवाने की तहरीक चलाई जाएगी और खाली पड़ी जमीन पर पीड़ित परिवारों को फिर से बसाया जाएगा। देखिए, 15 अक्टूबर 2016 की रात को 3 बजे यहाँ जिस तरीके से जुल्म की एक इमारत खड़ी की गई, 50-60 साल से ये वो मजलूम परिवार हैं जो अपने बाप दादा के टाइम से यहाँ रहते थे, बेहद गरीब परिवार हैं, लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से, रामपुर से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली तक तमाम लोग देख रहे हैं कि ये परिवार किस तरीके से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इनको अब से 3 साल पहले आज ही की रात को उजाड़ा गया था। वो मंजर आज भी याद करके तमाम लोगों के आंसू निकल आते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने यहाँ पे घुसकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि इनके घरों में लूटपाट की और इनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया, इनका सामान तक वहाँ पे दबा दिया गया और तब से ये लोग सड़कों पर रहने को, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं। आज हमने कैंडल मार्च किया है और बरसी मनाई है और जुल्म के उस मंजर को याद किया है। तमाम पीड़ित परिवार एक बार फिर से न सिर्फ ज़िला प्रशासन से बल्कि प्रदेश और देश की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे पीछे जो ये जुल्म की इमारत खड़ी की गई है शिक्षा के नाम पर, इसके अंदर बहुत जल्द इन यतीम परिवारों के लिए एक अच्छी सुविधा वाला अस्पताल खोला जाए और साथ ही जो जगह खाली पड़ी है उस पर इन लोगों को बसाया जाए। मुझे उम्मीद है कि ज़िला प्रशासन और हुकूमतें ज़रूर बेदार होंगी और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।